नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। शहर में अपराधियों ने मचाया तांडव। जीरो माइल और नाथनगर में लूट की घटना को दिया अंजाम। देसी लोडेड कट्टा के साथ दो अपराधी गिरफ्तार। पुलिस को चकमा देकर एक अपराधी हुआ फरार। शराब के नशे में वकील ने कोर्ट परिसर में किया हंगामा। पुलिस ने दो वकील को किया गिरफ्तार। और नाथनगर में लगातार हो रही लूट की घटना से लोगों में डर का माहौल। अब खबरें विस्तार से। जीरो माइल थाना क्षेत्र के बसंत विहार कॉलोनी स्थित आभूषण दुकान में शनिवार को बदमाशों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया। स्वर्ण व्यवसायी मुरारी कुमार और उसके कर्मचारी अशरफ और आनंद को जख्मी कर 1.5 लाख रुपए नगद, 5 किलो चांदी व मोबाइल अपने साथ ले गए। देर रात व्यवसायी के बयान पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना में लिप्त गिरोह की पहचान का पुलिस दावा कर रही है। लूट की घटना कैमरे में कैद हो गई है। बताते चले कि थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बसंत विहार कॉलोनी स्थित यूबी ज्वेलर्स में यह घटना घटी है। देर रात सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात व एएसपी पूरण कुमार झा घटना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा और जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होने की बात कही। गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानगंज पुलिस ने एक देसी लोडेड कट्टा और दो जिंदा कारतूस के साथ बैलथू निवासी चंदन बिंद और देवानंद यादव को थाना चौक से गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि चंदन बिंद अपने दो सहयोगियों के साथ किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने थाना चौक के पास से ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान मिरहट्टी निवासी राजू यादव मौके से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। थाना अध्यक्ष लाल बहादुर ने बताया कि चंदन बिंद तथा देवानंद यादव बरियारपुर बैंक कांड में आरोपी है, जो बहुत दिनों से फरार चल रहा था। भागलपुर जिला प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद भी शहर में शराब की बिक्री थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को नशे में जोगसर पुलिस ने दो वकील को कचहरी परिसर से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार वकील रंजन कुमार इशाक चक के आनंद बाग कॉलोनी का रहने वाला है और संतोष झा तिलका मांझी थाना क्षेत्र हटिया चौक का रहने वाला है। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि दोनों शराब के नशे में कचहरी परिसर में हल्ला मचा रहे थे। जांच कराने पर दोनों के शराब पीने की पुष्टि हुई है। जोगसर पुलिस ने दोनों अधिवक्ताओं को कोर्ट के समक्ष पेश किया। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र करेला चौक के समीप शनिवार की रात आभूषण व्यवसायी से चार बदमाशों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। घटना को लेकर कुंडी टोला निवासी व्यवसायी सुबोध कुमार ने बताया कि शनिवार की रात तकरीबन 8 बजे वह दुकान बंद कर रुपए और चांदी के जेवरात लेकर अपने घर लौट रहे थे। इस दौरान करेला चौक के समीप सड़क किनारे खड़े चार बदमाशों ने रास्ता रोक लिया और हथियार का भय दिखाकर गली में खींच कर ले गए और 18,000 रुपए और 700 ग्राम चांदी के आभूषण लूट लिए। विरोध करने पर हथियार के बट से सिर पर वार कर जख्मी कर दिया। पीड़ित व्यवसायी ने बताया कि घटना के बाद पुलिस को सूचना देकर नाथनगर रेफर अस्पताल में इलाज कराया। दुकान से जब बढ़ाते निकले ना तो चार में तो घीच लिया, घीच तमन सट आ गया, हाथ में बम था, पीछे में घूमते सुल्तानगंज आदर्श नगर वार्ड 15 में गौफ के दबंगों के द्वारा घर में घुसकर मारपीट, लूटपाट और जान से मारने की धमकी देने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर आलोक कुमार ने बताया कि 5 अगस्त को गौफ के मुकेश राय, हरिओम राय अपने सहयोगी के साथ हथियार के साथ घर में घुसकर लूटपाट करते हुए 55,000 और सोने का चैन छीन लिया और घर खाली करने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। साथ ही महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। मामले को लेकर स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देने के बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्थानीय थाना के द्वारा कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने डीआईजी एसएसपी को लिखित आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। वहीं पूरी घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है।
मेरे बहन के घर में मुकेश राज दबंगों के साथ घुस करके लूट पाट, कुछ रुपया पैसा, जेवर जेवरात और झड़प भी कुछ हुआ। और हम लोग जो है कि देखते रह गए, इतने आदमी का क्या बोले, बहन के साथ हो गया, हम लोग देखते जा कर के। कौन आया था घर में? मुकेश राय लेकर। और कौन था उसके साथ? था हरिओम, हरिओम राय। और सुल्तानगंज पहुंचे बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को विधायक ललित नारायण मंडल सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने फूल माला व बुके देकर स्वागत किया। इस दौरान कमराय मोड़ के समीप मनरेगा योजनाओं के तहत मंत्री श्रवण कुमार, विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, वीडियो मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभु शरण राय सहित एनडीए कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा के तहत बिहार में 5 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य है, जिसको लेकर सुल्तानगंज प्रखंड के विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। साथ ही बिहार सरकार के कार्यों को उपलब्धि बताते हुए लोगों से कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए कोरोना का टीका लगवाने की बात कही। वहीं 10वीं कक्षा में 90.8% अंक लाने पर भीड़ संबंध निवासी छात्र अभिषेक कुमार को मंत्री ने सम्मानित किया। इस दौरान प्रेम प्रभा सिन्हा, प्रोफेसर संजय मंडल, मिथिलेश कुमार सहित एनडीए के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जल जीवन हरियाली योजना 24.5 संचार करोड़ की हमारी योजना है और 3 वित्तीय वर्ष में इसको पूरा करना है। 1 वित्तीय वर्ष पूरा हो गया, 2रा वित्तीय वर्ष शुरू हुआ और 1 वित्तीय वर्ष शेष रह गया है। इससे वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ पौधा लगाने का हमारा लक्ष्य है। 2 करोड़ पौधा मनरेगा योजना से लगेगा, 1.5 करोड़ दुनिया जीविका की दीदियाँ लगाएगी। शनिवार को शहर के एक होटल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर भागलपुर के जिला कार्यकारिणी सम्मान समारोह जिलाध्यक्ष अशोक रजक की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुखिया अजय कुमार राय ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में भागलपुर जिला संगठन के प्रभारी रोहित शर्मा, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, नाथनगर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अजय कुमार राय शामिल हुए। इस दौरान जिला संगठन प्रभारी रोमित शर्मा ने संगठन को मजबूत और बूथ स्तर पर ले जाने की बात कही। साथ ही नाथनगर विधानसभा में हर बूथ पर 5 कार्यकर्ताओं को इस मिशन पर काम करने और प्रखंड अध्यक्ष को 2 माह के अंदर सभी पंचायत में पंचायत अध्यक्ष एवं सचिव बनाने का निर्देश दिया। भागलपुर जिला का आज पदाधिकारियों का मीटिंग था। इस मीटिंग के थ्रू हम ये लोगों में संदेश देना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय श्री जीतन राम मांझी जी अपने कार्यकाल के दौरान जो वो कुछ 31 योजनाओं को जो लाए थे उन्हें लोगों तक पहुंचाना, उसमें से एक पॉलिसी था उनका कॉमन स्कूलिंग सिस्टम। चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगार का बेटा हो, दोनों जब एक ही छत के नीचे पढ़ेगा तभी सामाजिक द्वेष जो समाज में फैला हुआ है, जात पात फैला हुआ है, तभी वो खत्म हो सकता है। शहर में बढ़ते अपराध की घटना पर लगाम लगाने के लिए भागलपुर जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। शहर के तिलकामांझी चौक, मनाली चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक, स्टेशन चौक पर सभी वाहनों की सख्ती से तलाशी ली गई। इस दौरान CTSP स्वर्ण प्रभात मॉनिटरिंग करते दिखे, साथ ही साथ DSP शिवम कुमार, यातायात प्रभारी ब्रजेश कुमार वाहन चेकिंग अभियान में शामिल हुए। सीनियर SP निताशा गुड़िया के आदेश पर शहर में यातायात नियमों में सख्ती बरतने को लेकर विशेष वाहन चेकिंग अभियान लगातार 15 दिनों तक चलेगा। रविवार को शहर के एक निजी होटल में जिला जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के द्वारा नवनियुक्त प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में नवनियुक्त चिकित्सा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं को जिलाध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने पार्टी की मजबूती को लेकर जन जन तक पहुंचकर उनकी समस्याओं के निराकरण को लेकर कार्य करने की बात कही। साथ ही जदयू के जनाधार को मजबूत करने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जन सरोकार की दिशा में किए गए कार्यों को जन जन तक पहुँचाने की बात कही।
का बैठक है। जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रखंड स्तर के जो अधिकारी बने हैं उनका हम लोग स्वागत कर रहे हैं, साथ में उनको यह बताने का कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी नीतीश सरकार है जो बिहार को जो रसातल में गई थी उसको बहुत आगे लाए हैं और इनको हम लोग को मजबूत करना है। साथ ही यह संदेश देना है कि राजनीति में यदि आप आ रहे हैं, इस क्षेत्र में आ रहे हैं, तो दूसरों के लिए जीना सीखिए। सुल्तानगंज राज गंगापुर के समीप ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक की पहचान बेलहर थाना क्षेत्र धौरी निवासी आशु कुमार के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि आशु कुमार सिंह दो बार 12वीं में फेल हो गया था, तभी से उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। रविवार की सुबह किसी को बताए बिना घर से निकल गया। फिलहाल खबरों में इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।